तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है 100 ईयर्स लाइफ सिमुलेटर के एक और एपिसोड में। और लास्ट पार्ट में जैसा कि आपने देखा था, प्लेन क्रैश होने की वजह से हम लोग जाकर एक आइलैंड पे फंस गए। आइलैंड से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैसीनो में पैसा वैसा लुटाया। उसके बाद हमें पता चला हमें कोलन कैंसर है और पहली फुर्सत में इस दुनिया से निकल लिए। उसके बाद हमारी यहाँ पे सेकेंड लाइफ स्टार्ट होने वाली है एक लड़की की तरह। तो अभी हम लोग बर्थ लेते हैं और अभी लड़की का थोड़ा मुझे अपने अंदर करेक्टर लाना पड़ेगा। और अभी आप समझ गए होंगे यह क्या चीज़ है। अभी एक एग को जाके फर्टिलाइज करेगा, मैं बस बर्थ पे क्लिक करना है और हम लोग एक लड़की की तरह पैदा होने वाले हैं यहाँ पे भूमि। देखो लड़की की तरह हम लोग पैदा हो गए। अब हमारा बचपन पता नहीं कैसे जाएगा, क्या होने वाला है लड़की बन के हमारे साथ, क्या क्या हरकतें होंगी। तो अभी हम लोग एक साल के हो चुके हैं। एक साल की देखें स्टार्टिंग ही मुझे लग रहा है घटिया हुई है। ये देखो हालात देख लो हमारे। कोई हमें गार्बेज की तरफ फेंक के चला गया। ओहो एक आदमी आया यहाँ पे, इसने हमें देखा और हमें उठा लिया। हमें लग रहा है ये अडॉप्ट करने वाला है। ये देखो हम लोग क्यूट कितने लग रहे हैं लड़की की तरह बनने के बाद, क्यूट कितने लग रहे हैं ये देखो। तो अभी उसने हम लोग को अडॉप्ट कर लिया, गार्बेज में से उठा लिया। तो अभी हम लोग हो चुके हैं 2 साल के और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई रेस हो रही है। ये देखो यहाँ पर कोई रेस हो रही है हमारी और ये हमें रेस में शायद जीतना है। जैसे जैसे करके बच्चों की रेस यहाँ पे जो क्रॉल करके जाते हैं ना बच्चे, उनकी स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये बियर नहीं उठाने वाला, सीधा सीधा भागना है मुझे पहली फुर्सत में। मुझे जैसे तैसे करके जीतना है क्योंकि हमें पापा का नाम रोशन करना है अपने। तो अभी हम लोग पूरा स्पीड से भागे जा रहे हैं क्रॉल करते करते और वो आ रहे हमारे पापा। वो देखो बड़ी चोटी वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे सामने 2 ऑप्शन आए हुए हैं, कीप गोइंग या प्ले विद कार। तो मैं कार से तो नहीं खेलने वाला, वरना यहाँ पे खेलने लग गया तो जीतूंगा कैसे। तो अभी हम लोग पहली फोर्स में फुल स्पीड से भागते हैं। और ये बगल वाली लड़की को क्या हो गया, अचानक फ्लैश बन गई है। तो ओ भाई साहब अचानक से मैं फ्लैश डांस मस्त करा, एक नंबर क्या ही मस्त डांस किया इसने, मजा आ गया। तो अभी हम लोग एक बार रिट्राई करते हैं क्योंकि हम लोग हार चुके थे, तो अभी रिट्राई करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग कीप गोइंग करेंगे, यहाँ पे पोलर बियर से नहीं खेलने वाले। इस बार हम लोग कार से खेलने का ट्राई करेंगे और देखते हैं कार से खेलने के बाद कुछ होता है हमारे साथ या नहीं। और अभी हम लोग पहले नंबर पर शायद चल रहे हैं, नहीं हमसे भी आगे वो लड़की है, वो पिंक वाली जो लड़की है बड़ी तेज़ी से भाग रही है। पता नहीं क्या खा के आई है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओ ओ बेटे क्या करती हम लोग ने जलवा जलवा। एक नंबर डांस लग रहा है मुझे। अरे देखो हमारे पापा भी साथ में डांस करने में लगे हुए हैं। क्या ही क्यूट लग रहा है, हम छोटे से अभी हैं। तो अभी हमारी एज और बढ़ चुकी है, तो अभी हमारी हाइट भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। देखो हमारी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है और अभी हम लोग हो चुके हैं 5 साल की हो चुकी हूँ मैं। हेलो माई नेम इज एंजला एंड आई एम 5 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो इसे लाइक भी कर दीजिए, वरना प्रियदर्शन जैसे ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना मैं आपको, ये आपको पूरी उम्र याद रहेगी। और मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा बहुत से लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या हरकत है, सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो चलती है अभी आगे की तरफ। और ये मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे लग रहा है ये मेरे ऊपर लाइन मार रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ मुझे लंच करना चाहिए या नहीं, तो उसके साथ मैं ज्वाइन कर लेती हूँ लंच। ओके ये मुझे लड़की की आत्मा कहाँ से आ गई पता नहीं, कमेंट ही करते करते। तो अभी इसके साथ हम लोग लंच कर रहे हैं इस लौंडे के साथ। तो अभी हम लोग हो चुकी है, हमारी एज जो है वह 7 ईयर्स। अब देखते हैं हमारे साथ क्या क्या हादसे होने वाले। ये रहे हमारे पापा, लगता है हमारे पापा हैं बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर। तो इनका बास्केटबॉल खेलने का एक बार देख लिया जाए कैसे खेलते हो, या हमें कुछ मूव्स दिखा तू मस्त मस्त बास्केटबॉल के। ओ भाई क्या ही घुमा रहे हैं उंगली पे ये लोग बास्केटबॉल, और हम लोग अभी बहुत खुश हैं, पूरा लाइफ अच्छी चल रही है। ओ बेटे ये क्या कर दिया इसने, ये हमारे पापा तो गजब ही हैं, ये किस तरह का गोल मारा। कुछ भी मतलब कुछ भी, एक और गोल और मार के दिखाया उन लोगों ने, बास्केट डाल के दिखाई, गोल कहाँ से खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं है, बास्केट डाल के दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हमारी चांस यहाँ पे आ चुकी है, तो हमें एक बार में परफेक्ट करना है। देखते हैं हुआ परफेक्ट यानी ग्रीन पे मुझे रखना था, हुआ नहीं मुझे। वन मोर ट्राई, आई विल ट्राई वन मोर टाइम एंड देन आई विल सक्सीड। या दैट्स लाइक अ गर्ल नॉट अ बॉय बिकॉज आई एम नॉट अ बॉय। इंग्लिश रिव्यू।
तो गाइस अभी मेरी ये जो एज हो चुकी है वो है 8 ईयर्स, और अभी हम लोग कुछ शॉपिंग करने आए थे इस शॉप के अंदर, और अभी हम कुछ लेके गए घर पे, और देखो कुछ फल वगैरह लेके आए थे, लेकिन इसमें तो कुछ व्हाइट कलर की है, देखो कीड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कॉल 911 पे करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से वो बेचता रहा सामान तो लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो जाएंगे। तो अभी मैंने कॉल 911 कर दिया है, 911 कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। ओ भाई सील नहीं करवानी थी ना दुकान उसकी, ये तो पूरा अरेस्ट कर लिया उसे बेचारे बंदे को, उसकी दुकान ही बंद करवा दी। धमकी देते थोड़ा बहुत, या फिर एक वार्निंग देते थे पुलिस वाले की ऐसा नहीं चलेगा हमारे शहर में, वो तो सीधा उसे उठा के लेकर दुकान भी गई उसकी बेचारे की। तो अभी मेरी एज जो हो चुकी है वह है 9 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे मैं किसी पार्क में घूमने के लिए आई हुई हूँ, यहाँ पे मेरे सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं मस्त, तो एक साथ बटरफ्लाई पकड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है बटरफ्लाई पकड़ने में, बेचारों को क्यों परेशान करूँ बटरफ्लाई, तो थोड़ा और घूम के आते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा और घूम के आते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कैसा पार्क है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अभी हम लोग घूमने के लिए आ चुके हैं, बहुत अंदर ही आ गए मुझे लग रहा है, जंगल मंगल के अंदर आ गए। तो यहाँ पे देखो जंगल के अंदर कुछ एक मंदिर टाइप का है यहाँ पे, ये देखो मुझे तो ये माइनक्राफ्ट का वो नहीं दिख रहा है जो डिजर्ट वाला टेम्पल होता है, वह लग रहा है वैसे ही कुछ माइनक्राफ्ट का डिजर्ट टेम्पल। तो अभी हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और ये क्या चीज़ रखी हुई है इसे रब करते हैं कि अलादीन का चिराग है भाई, के है? हेलो कौन आ रहा है? ओ गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, यहाँ पे गणपति बप्पा निकल आए हुए हैं। तो अभी हम लोग एनलाइटमेंट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, एनलाइटमेंट लेते हैं, फॉर्चून नहीं लेना है, एनलाइटमेंट लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं गेम में। तो अभी हमें एनलाइटमेंट मिल चुकी है गणेश जी से, तो अभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है फ्यूचर में। थैंक यू गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। तो अभी हमारी एज हो चुकी है 9 ईयर्स हो चुकी है, तो अभी हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे मस्त, और कुछ लड़कियाँ यहाँ पे दूसरी लड़कियों को परेशान कर रही हैं। तो ये देखो बेचारी चश्मा वश्मे लगाई हुई है, तो उसे कुछ लड़कियाँ हंस रही हैं उसके ऊपर, तो मुझे लग रहा है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए बेचारी लड़की की। हाँ तो मैं इसकी मदद करती हूँ लड़की जी। तो अभी हम लोग ने उस लड़की की मदद कर दी, और बेचारी हमारी दोस्त बन गई, उसे बहुत परेशान कर रही थी। अरे उसे चश्मा लगा है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी ना उसकी गलती है उसमें। तो अभी जो मेरी एज है ना वह हो चुकी है 12 ईयर्स ओल्ड। तो अभी हम लोग मस्त बिस्तर पे अपने सपने में खोए हुए हैं, और अचानक से मुझे कुछ खतरनाक सा सपना आया और हम लोग सोकर उठ चुके हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, तो मैं स्कूल नहीं जाती हूँ आज, क्योंकि मेरा पेट दर्द होगा उसके बाद ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज। इसी के क्रिंज इनटू 100 हो गया। तो आज हम लोगों ने स्कूल स्किप कर दिया, क्योंकि मैं बता नहीं सकता क्या स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, जो हर गर्ल्स के साथ जो चीजें होती हैं वही हमारे साथ हो रही हैं। तो अभी हम लोग पापा से गले मिलते हैं, और अभी हमारी एज हो चुकी है 13 ईयर्स ओल्ड। तो अभी हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, अच्छा फिर से हम लोग बास्केटबॉल खेलने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पे मस्त बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे सामने एक लौंडा बड़ा चौड़ा बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता हूँ। लेकिन इसे क्या पता था कि मारे पापा बास्केटबॉल प्लेयर हैं बहुत बड़े वाले, और मुझे भी बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलना आती है। तो इसे अभी हम लोग मस्ती से धूल चटाते हैं कुछ अपने मूव्स दिखाकर, और बूम यहाँ पे लौंडा गिर पड़ा हमारी मूव्स देखकर। तो अभी हमारी एज जो हो चुकी है वह है 15 साल, और अभी हम लोग कहीं मस्त घूमते घामते जा रहे हैं, और यहाँ पे म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई, किसी बिल्ली मुझे लग रहा है रोने की आवाज़ आई, यहाँ बिल्ली है यहाँ पे, तो बिल्ली की मदद करते हैं, बेचारी ने क्या बिगाड़ा है, कुछ कहना चाहती है बिल्ली हमसे, क्या चाहिए बिल्ली, अच्छा खाना चाहिए, तो खाना देते हैं बिल्ली को, बेचारी को भूखी होगी बहुत दिन से खाया नहीं हुआ। और ये बिल्ली नहीं थी, ये तो कुछ और ही निकली यहाँ पर, ये देखो ये मुझे उसकी याद दिला रही, डोरेमोन अपन ने वो बचपन में देखा था हाथ आगे आगे करता रहता है, उसी तरह का ये कुछ है। तो अभी हमारी एज जो हो चुकी है 16 ईयर्स हो चुकी है, तो यहाँ पर तो यही वही लौंडा आया हुआ है जिसे हम लोगों ने बास्केटबॉल में हराया था बुरी तरह से, और अभी करना क्या चाहता है। तो अभी हम लोग इसे अपने घर पर लेकर आए हुए हैं, या फिर हम लोग उसके घर पर गए हुए हैं कुछ पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी तो नहीं होने वाली यहाँ पे, ये तो पक्का है, क्योंकि लड़का लड़की कभी स्टडी तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ और ही गलत सीन होने वाला है, तो हम लोग कर देते हैं जो करना है इसे लौंडे को। आ जा एक चुम्मा तुझको मैं उधार दे दूं, एक चुम्मा मैं तुझको उधार दे दूं, आ जा। तो अभी हम लोगों ने इतनी छोटी उम्र में, मतलब 16 ईयर्स ओल्ड हैं, और अभी हम लोगों ने ये सब कांड करना शुरू कर दिए। हमारे इंडिया में बूढ़े बूढ़े लोगों को नहीं मिलता ये सब, अभी आप उन्हें देख लीजिए बिंग्स सर को। जो 28 साल 29 साल के हो चुके हैं अभी तक नहीं मिला उन्हें। तो अभी मैं यहाँ पे रात के अंधेरे में
कुछ लौंडों के साथ घूमने के लिए आए हुए हो, उसमें से एक मेरा बॉयफ्रेंड भी है। जैसे हमने एक चुम्मा दिया था उसी से वह इम्प्रेस हो चुका है, वह अपने लौंडों को लेके आया हुआ है साथ में। और अभी हम लोग किसी के फैक्ट्री वगैरह स्विमिंग पूल के इलाके में घुस चुके हैं सीढ़ियां मीढ़ियां चढ़ के, और यहाँ पे स्विमिंग पूल के मस्त मजे ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे एक लौंडा आ चुका है मेरे बगल में बैठ चुका है लौंडा, और पता नहीं क्या कहना चाहता है मुझसे। एक तो लग रहा कार्टून सा है मुझे, गलत ही लग रहा है, तो पेलना पड़ेगा ये। मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, सॉरी आई हैव ऑलरेडी बॉयफ्रेंड। ओह भाई ये तो गलत ही जा रहा है थोड़ा, एक थप्पड़ मारो उठा के दो स्विमिंग पूल में ऐसे लौंडों को, धत तेरी। तो अभी मेरी एज और बढ़ चली है, मेरी हाइट भी और बढ़ चली है यहाँ पे, तो आई एम नाउ 18 इयर्स ओल्ड, मींस आई एम एडल्ट नाउ। तो अभी हम लोग मस्त अपने गार्डन में सुबह सुबह सोकर निकले हुए, यहाँ पे पता नहीं किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। अच्छा यहाँ पे एक बियर का बच्चा फंसा हुआ है जिसकी मदद करते हैं, बेचारे की फंसा हुआ है जिसकी मदद करते हैं। पैसों में बेच के क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, बेचारे को अपनी मम्मी के पास भेजते हैं, फंस गया होगा जैसे तैसे करके। तो अभी हम लोगों ने एक बियर की मदद की, तो मदद के बदले मुझे भी मदद मिल सकती है। और ओ भाई ये तो नहीं, अच्छा देखो कहा था ना, देखो अच्छा काम करोगे तो आपको भी बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा ना तो अभी के वीडियो में लाइक कर दीजिए, अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो 2 डिसलाइक कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे,